है हमारे सामने, और दो शब्द हैं, वो एक डेमोक्रेसी और एक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मैं ये सोचता हूं कि जरा आप कल्पना करें, कल्पना करें जब ये शब्द आया होगा डेमोक्रेसी का और जब ये शब्द आया होगा यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में आप बताइए कि यूनिवर्सिटी का जो हम लोगों को शिक्षक ने बताया यूनिवर्सल नॉलेज, लेकिन यूनिवर्सल नॉलेज भी आएगा कहां से? यूनिवर्सल इसका कैरेक्टर बनता है कैसे? इसमें यूनिवर्सल कैरेक्टर तब बनता है जब यहां हो सकता है कि यहां साउथ अफ्रीका का भी लड़का हो लड़की हो, बिल्कुल काला, जो आपकी आपकी सौंदर्य की परिभाषा में बिल्कुल बदसूरत, और कहीं कोई सीरिया का हो, कहीं कोई इंग्लैंड का हो, कहीं कोई यूएस का हो, कहीं कोई ये मोतिहारी के चंपारण का हो, और कहीं कैमूर का हो, और कहीं गुजरात का हो, कहीं कोई पैर से पैर जिसका काम ना करता हो, जिसका कोई आंख काम ना करता हो, लड़कियां हो, और आज की तारीख में जो वैसी भी हो वैसे भी हो जिनको आप मेल और फीमेल भी नहीं मानते, वो तमाम लोगों से बनने वाली जगह को हम कहते हैं तमाम लोगों से। और उत्पादन का उत्पादन की पहली शर्त है, उत्पादन की पहली शर्त है टकराव। टकराव किस चीज का? टकराव इस चीज का कि हमने जो अनुभव गेदर किया है, हमने जो एक्सपीरियंस गेदर किया है, हमने जो किताबों की जो व्याख्या की है, आपने जो एक्सपीरियंस गेदर किया है, आपने जो उसको इंटरप्रिटेशन किया, उसकी जो व्याख्या की है, उसका एक टकराव। उस टकराव में क्या है? उस टकराव में नया उत्पादन है, और वो नया उत्पादन क्या है? वो नया उत्पादन ही कहते हैं हम उसको नॉलेज। नॉलेज फॉरवर्ड, नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब हुआ कि एक आप खास स्थिति में फंसे पड़े हैं, उसको एक गति चाहिए, उसको गति में ले जाने का काम कौन करेगा? वो नॉलेज करेगा। और नॉलेज ये सिस्टम पूरा, जब यूनिवर्सिटी का पूरा डेवलपमेंट किया जाने, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत बाद में बनी है, और मैं तो ये जानना चाहता हूं और ये मैं पूछता हूं आज की तारीख में कि अगर मान लीजिए देश में अंग्रेज ना आए होते, ब्रिटिश हुकूमत नहीं आई होती, तो क्या हमारे यहां कैंपस होते हैं? आपको एक अजीब लगने वाला मैं ये सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल है मेरे पास और मैं इसको विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। दुनिया भर में यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, आप कल्पना कीजिए कि मध्यकाल की जो यूनिवर्सिटी रही होंगी उनकी क्या स्थिति रही होगी। मध्यकाल की यूनिवर्सिटी, मैं तो कहता हूं कि आज की तारीख में जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे बेहतर स्थिति में रही है। मैं कई जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता रहता हूं, मैं खुद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, और एक तमाम जो स्थितियां आई हैं उन स्थितियों को मैं उस समय मैंने देखा। मैं आईएमसी जैसे इंस्टीट्यूशन में भी रहा, और इधर जितनी भी सेंट्रल नई यूनिवर्सिटी खुली हुई इसमें आधा दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी में हाल फिलहाल जाने का मौका मिला, और जो सबसे मैं ताजा गया वो हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में गया। लेकिन मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी जो आज मैं यहां देख रहा हूं। महेंद्रगढ़ में भी बोलने की आजादी नहीं, वहां भी दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम वहां वाइस चांसलर ने ऑडिटोरियम अपना एक बड़ा सा कमरा को दे दिया कि मीटिंग कर। आपके यहां तो शायद वो भी स्थिति नहीं। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जो हालात हैं आज इस यूनिवर्सिटी में वो अकेले हालात नहीं है। हाँ, यहां अकेले हालात ये जरूर है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे बदतर स्थिति आज, और वहां है जहां गांधी पैदा हुए, जहां गांधी ने कहा सत्य को पहचानो, सत्य को पहचानो और सत्य बोलने से कभी चूको नहीं, यही लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की उस साम्राज्यवाद के खिलाफ जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में इसका सूरज जो है कहीं डूबता नहीं है, कभी डूबता नहीं। और यूनिवर्सिटी का काम ही क्या है?
यूनिवर्सिटी का काम ही है सत्य की तलाश करना। यूनिवर्सिटी को जितने लोगों ने डिफाइन किया है उसमें एक प्रश्न आया कि आखिर में यूनिवर्सिटी काम क्या करती है, जो कि डेजी नारायण भी बता रही थी एक दो डिफिनेशन के आधार पर। लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ और डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जगह जब मानी गई कि जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल, इसका कोई राष्ट्र नहीं होता। जिस तरह से ह्यूमैनिटी का कोई राष्ट्र नहीं होता, मानवता का कोई राष्ट्र नहीं होता, जिस तरह से पत्रकारिता का कोई राष्ट्र नहीं होता, उसी तरह से यूनिवर्सिटी का जो पूरा नॉलेज सिस्टम है वो कोई राष्ट्रवाद की परिधि में बंधा हुआ नहीं होता, उसकी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता। इस बात को हमको और आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हम आखिर में यहां आते क्यों है, हम आए क्यों है? अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वैसा पीना चाहिए, ये सब तो माँ बाप परिवार सब सिखाते ही हैं। हम तब यहां आते क्यों हैं? क्या जानने आते हैं हम, क्या सीखने आते हैं, और किससे मिलने आते हैं यहां, किससे इंटरेक्ट करने आते हैं यहां? हम मान लें कि आप जिस अवस्था में आए हैं उसी अवस्था में आपको रखें और उसी अवस्था में कहें कि जितने भी आप बैगेज, जितने भी तरह की आपकी गांठें आपके दिमाग में है उसको, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपकी जो गांठें हैं उन गांठों के साथ आपको हम कहेंगे केवल किताबें रट लो। क्या आप समझते हैं कि आप एक कदम भी आगे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। मैं तो ये मानता हूं कि, और मैं बार बार ये बात अपने छात्रों को भी कहता रहा कि मैं छात्रों को सिखाता हूं और छात्रों से सीखता हूं। छात्रों से सीखे बना भी कोई टीचर आगे नहीं बढ़ सकता। टीचर का भी अपना एक दायरा होता है, लेकिन जब नई पीढ़ी आती है और जो वो नए तरह की ऊर्जा के साथ आती है, नई तरह की अपेक्षाओं के साथ आती है और आते हैं, तो टीचर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो टीचर को भी एक्सप्लेन करते हैं। टीचर का मतलब नहीं हुआ कि वो अपने आप में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ कोई बोल नहीं, उसका एक्सपेंशन होता है जब वो छात्रों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका एक्सपेंशन होता है, उसका विस्तार होता है और एक दूसरे से सीख कर ही फिर वो नॉलेज बनता है। और मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, दो साल महज पुरानी बात। यूनिवर्सिटी क्या होती है मैं जानने बताने के लिए, मेरी बेटी अभी जेएनयू के स्टूडेंट है, 2 साल स्पेनिश पढ़ती है, एक बेटी ने अभी चाइनीज से एमए किया। और जो 2 साल पहले जो मेरी बेटी यहां आई, लखनऊ से आई हमारे पास दिल्ली, और आप यकीन नहीं करेंगे आप कि मेरे दिल्ली घर से लेकर और उसको बाहर सड़क तक जाने में भी उसको मुश्किल होती थी। वो नहीं जा सकती थी, वो लड़की जा, वो जिस तरह से उसकी परवरिश हुई, वो मेरे साथ परवरिश नहीं हुई, वो मेरे पास उस अवस्था में आई, वो चल भी नहीं सकती थी, कहीं अकेले जा भी नहीं सकती थी। मैंने कहा कि इसको 1 साल इसकी पढ़ाई ड्रॉप कर दो, 1 साल कहीं इसको बाहर नहीं भेजना है, विदेश नहीं भेजना है, हैदराबाद नहीं भेजना है, कोई मैनेजमेंट नहीं कराना है, इसको खुली सांस लेने। और खुली सांस उसने एक थिएटर ज्वाइन किया। और मैंने कहा अगर इसको, इसकी जितने भी ब्लॉकेज है अगर इसके साथ लड़ना है तो इसको केवल जेएनयू भेज दो, यूनिवर्सिटी भेज दो, जेएनयू भेज दो केवल इसको। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि हम लोगों ने उसकी तैयारी करवाई कि वो लैंग्वेज का कोर्स करे, और आज मैं बताता हूं कि वो 4 दिन तक, जो पिछला बार चुनाव हुआ अभी छात्र संघ का, 4 दिन वो सोई नहीं, चारों दिन तक वो कंपेन करती रही, फिर जो वहां काउंटिंग हुई उसके लिए जगती रही, आज वो पढ़ती भी है और इतनी बड़ी एक्टिविस्ट है कि पूरी दिल्ली में घूमती रहती और अकेले घूमती रहती। यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है बनते हुए, मैं याद करता हूं वर्धा में एक लड़की आई सुषमा, जिसकी गर्दन ऐसी झुकी रहती थी,
ठीक से सीधे बैठ नहीं पाती थी, लेकिन आज जब आप सुषमा को देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, और मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं आपको कि यूनिवर्सिटी एक कल्चर पैदा करता है, कल्चर पैदा करता है, एक संस्कृति तैयार करता है। वीसी आते हैं जाते हैं, वीसी क्या है, वीसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, प्रशासनिक पद है, कोई लर्नेड आदमी वीसी आता है, अब नहीं है ऐसा, एक प्रशासनिक आदमी है, जैसे थाने का एसएचओ है वो प्रशासनिक एक पद है, उसी तरह से वाइस चांसलर का जो पद है वो प्रशासनिक पद है। आप इससे अगर विद्वता की कोई उम्मीद करते हो, और खास तौर से वैसे वैसे किसी व्यक्ति से विद्वता की उम्मीद करते हो जो फर्जीगिरी करने में माहिर हो, तब तो फिर वो आपकी और हमारी और आपकी बेवकूफी है। इस समय देखिए बहुत सारे लोग वीसी हैं, प्रोफेसर हैं, क्या करते हैं, आप तो गूगल के जमाने में हैं, आप जानते हैं कि इंटरनेट पे जाएंगे, कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, किताब तैयार हो जाएगी। आप तो खूब अच्छे तरीके से जानते हैं पीएचडी की 400 पेज की थीसिस तैयार हो जाएगी, सैकड़ों की संख्या में इस समय आपको थीसिस मिल जाएंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं। यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उनको भी उसकी जरूरत नहीं रह जाती, केवल नाम आगे लग जाता है डॉक्टर साहब। इस जमाने में हम तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां की आपको एक विद्वता की जरूरत है, और यह अटैक हो रहा है। आप देखिए इस समय में देश का कौन सा हिस्सा ऐसा है, देश का ऐसा कौन सा कोना है जिस जहां यूनिवर्सिटी है और हमले नहीं हुए। आप एक यूनिवर्सिटी का ऐसा नाम बताइए, महेंद्रगढ़ में मैं जिस समय गया था उसके पहले वहां क्या हुआ था, महालिक नाटक वहां हुआ और वहां हमला हुआ। चेन्नई में आईआईटी में क्या हुआ, टिस में यहां क्या हुआ, मुंबई में, आपको मैं कितने यूनिवर्सिटीज का नाम गिनाऊं, गुजरात में क्या हुआ, आप हर जगह चले, जेनी को तो खैर आप जानते ही हैं, ड्यू में आप देख लीजिए कितना हुआ, ये हमले हो रहे हैं। हमको इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि आखिर में ये यूनिवर्सिटी पे जो हमले हो रहे हैं, ये खास समय में ये हमले क्यों हो रहे हैं, और इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। जो भी हमले हुए हैं उन हमलों का जो चरित्र है वो क्या है, आपके बोलने की आजादी, आपकी बोलने की आजादी पर कैसे अंकुश लगाया जाए, ये खास तरह की प्रवृत्ति का एक एक आक्रमण है, एक हमला है। ऐसे हमले पहले नहीं हुए, लेकिन हमको और आपको एक बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर में कौन सी ऐसी बात है जिनके कारणों से आज खास तौर से यूनिवर्सिटीज पर इस तरह से हमले हो रहे हैं। और मैं अगर बहुत ज्यादा पुराना नहीं जाऊं तो आपको मैं याद कराना चाहता हूं, आप लोगों ने नालंदा तक्षशिला को बहुत गर्व से नाम देते हैं, आप लोग कम से कम इसका अन्वेषण भी कीजिए, इसकी भी जांच कीजिए कि यह यूनिवर्सिटी नष्ट हुई तो किस तरह की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, विस्तार हुआ। और क्या वो यूनिवर्सिटी नष्ट नहीं की जाती बौद्ध काल की वो यूनिवर्सिटी, तो क्या जिस तरह की विचारधारा का विस्तार हुआ क्या वो संभव था, नहीं संभव था। वो कैंपस होता था एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज कैंपस, एकीकृत कैंपस नहीं जैसे आपका आज की तारीख में, डिसेंट्रलाइज एक कैंपस होता था, उसको नष्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग सीख रहे थे, वहां जो ज्ञान का उत्पादन हो रहा था, वो उत्पादन, जो विचारधारा जिसका वर्चस्व इस सोसाइटी पर बाद में हुआ, वो विचारधारा कहती थी कि यह अवरोधक। इसलिए आप देखिएगा जितने तरह के इस तरह के जो लोग हमले करते हैं, क्या करते हैं, पहले लाइब्रेरी नष्ट कर दो। आपको हम इस अवस्था में, आप कैंपस में आ रहे हैं, लेकिन आप कैंपस का जो मुख्य काम है, हम उस अवस्था में ही आपको ना रहने दे, तो क्या ये लाइब्रेरी से नष्ट करने से क्या कम वो आक्रमण है, आपको हम उस अवस्था में नहीं रहने देंगे। देखिए एक बात समझिए आप, और हम बहुत लोग बात करते हैं, मिथक जो होते हैं, मिथक का रूप बदल जाता है। जैसे हम लोग द्रोणाचार्य के बारे में बात करते हैं कि द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, उस समय का अंगूठा और आज का अंगूठा क्या है, आज अंगूठा ये अंगूठा नहीं है,
मिथकों का यह अंगूठा कई हिस्सों में बट गया है, कई रूपों में बदल गया है। इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा। और यही यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी यही नजरिया देता है, यही सिखाता है। यहां जो कल्चर होता है वो यही नजरिया नजर देता है कि आप पहचानो आज का अंगूठा कौन है और आज का द्रोणाचार्य कौन है। आज का द्रोणाचार्य आपका VC हो सकता है। ये पता नहीं कितने अंगूठे मांग रहा है, कितने कितने लोगों से किस किस रूप में काट रहा है। आप ये सोचिए, अब आप इसमें अगर फंसे रहेगा कि अंगूठा तो यही होता है। भाई मैं, भाई गूगल का जमाना आ गया, गूगल में अंगूठे के अब कई इमेज मिल जाएंगे। वो आदमी की शक्ल में मिलेगा, चीज की शक्ल, भाषा की भी शक्ल में मिलेगा। तो ये बात बार बार कह रहे थे, कुछ नहीं करना है, 60% कर देना है एंट्रेंस में। आप छठ वंचित करने की विचारधारा, वंचित करने की विचारधारा। आप सब लोग लर्नेड हो जाएंगे यहां पर, तो क्या होगा, देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको सबको लर्नेड नहीं होना है, ऑटो भी तैयार हो रहा है। आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को क्या बनाया जा रहा है, हम जानते हैं कि 21वीं सदी में है। और एक कॉर्पोरेट जो यूनिवर्सिटी है वो डेवलप की जा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो आपको ये नजारा मिलेगा, छावनियों में तब्दील हो चुकी है यूनिवर्सिटीज, छावनियों में, सैनिक छावनियों में तब्दील हो चुकी हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी आपकी और हमारी पैसे से बनी हुई यूनिवर्सिटी है, उसको भी क्या चाहते हैं आप, छावनी में बदलना, छावनी बनाना चाहते हैं। सैनिक छावनी में किसी का और शासन नहीं होता, केवल एक ही का शासन होता है, वो होता है सैनिक शासन। आपके पूरे दिमाग को हम इलेक्ट्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हमेशा हम संघर्षों में रखने की, आंतरिक संघर्षों में रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम ये करेंगे तभी हमारा वजूद रहेगा, तभी हम बने रहेंगे, तभी हम जितना करप्शन चाहेंगे करेंगे और कह देंगे देखो कोई भी प्लॉट तैयार कर देंगे कि देखो ये पॉकेट मार के मेरा भाग रहा था और भीड़ लगा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन, रिएक्शन कैसे पैदा किया जाए, इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये विचारधारा ये काम करती है, रिएक्शन को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। मैं पोस्ट लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है इनसे, कोई इनका वास्ता नहीं हमारे पोस्ट से, लेकिन वो भीड़ चुकी हमने तैयार कर ली है। हम भीड़ को केवल कह देंगे देखो 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 वो जो पोस्ट है वो तो तुम्हारे ही बारे में लिखा हुआ है। कौवा कान ले गया, हम कान नहीं देखेंगे, हम कौवे को तो पुरानी कहावत। एक भीड़ चुकी हमने मानसिकता तैयार कर दी है, मिलिट्राइज कर दिया है दिमाग को, मारो मारो मारो, हम भी हो जाए। दुनिया भर में ऐसी शर्मनाक घटना, कोई मैं सोचता हूं कि हमारे देश के बारे में कोई सुनता होगा तो क्या कहता होगा यार। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को इसलिए मार दिया गया कि वो अपना नजरिया पेश नहीं कर सकता है, किसी चीज पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। कहां, किस जमाने में हम हैं और किस देश में हैं। इतनी परेशान करने वाली घटना। और जब मैं अभी आ रहा था तो 3 दिन पहले जब मैंने एक्सप्रेस में ये खबर पढ़ी जो शक्ति बाबू की खबर बताई, तो मैंने कहा कि यार क्या हो रहा है। और महज ये इसलिए कि एक आदमी करप्ट है और उस करप्ट आदमी को बचाना है अपने आप को, और वो सारे सीन को क्रिएट करेगा और उसको इजाजत मिलेगी। नहीं, ये नहीं चलने वाला है। ये 11वीं सदी की यूनिवर्सिटी नहीं है और ये 21वीं सदी की वो भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको हम कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये हम कहते हैं ये पीपुल्स यूनिवर्सिटी है, पीपुल्स यूनिवर्सिटी है, लोगों की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ की जो चेतना है वो डेमोक्रेसी में जीती है, डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पली बढ़ी है। उसकी रग रग में, उसके रोए रोए में डेमोक्रेसी है। और अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मार देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये आप गलतफहमी में। आप जरा कल्पना कीजिए, गांधी ने एक गुलाम को ये ना कहा होता कि तुम गुलाम हो,
और इसको यह महसूस ना कराया होता तो आज आप बने यहां बैठे होते। गुलाम को गुलाम के रूप में महसूस कराना, यही तो गांधी की जीत थी। जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण ने अगर ना बोला होता इमरजेंसी के समय में, आप यहां बैठे होते? इमरजेंसी का दौर हम लोगों ने देखा है, नहीं बैठे होते, कल्पना नहीं कर सकते यार। और गांधी के समय की याद करेंगे तो आप बिल्कुल कल्पना ही नहीं कर सकते। केवल आप गांधी का वो पढ़ लीजिए चैप्टर जब दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ होता था, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये जो विरासत हमें मिली है, ये जो विरासत हमको मिली है सांस लेने की, जीने की, कम से कम लड़के लड़कियां एक साथ बैठ के यहां पढ़ रहे हैं, इसको यहां नहीं रहना चाहिए, इसको और आगे दिखना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि एक ऐसा दिमाग है जो डोमिनेट करता है हमारी सोसाइटी में, ऐसा दिमाग डोमिनेट करता है, वो कहता है नहीं, इनकी तेज चाल मुझे पसंद नहीं, ये तेज चलें ये पसंद नहीं, ये चलने नहीं देना चाहते, आगे जाने नहीं देना चाहते। और मैं ये समझता हूं कि हमारी और आपकी जो जिम्मेवारी है वो ये जिम्मेवारी है कि इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाए रखना, और न केवल यूनिवर्सिटी बनाए रखना बल्कि इस देश में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो, सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी पहचान बने, इसकी भी कोशिश करते रहना। हम केवल ये कहने के लिए नहीं है कि हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, हम अभी सब थे ये कहने के लिए। क्यों क्यों अभी सब थे भाई, मेरी समझ में नहीं आता। आप कहते हैं दुनिया की एक महाशक्ति बनने की तैयारी में हम हैं, महाशक्ति बनेंगे और यूनिवर्सिटी आपकी कहां रहेगी, कैसी यूनिवर्सिटी है? इस तरह की जो लगातार जो संस्कृति हम लोग विकसित होते देख रहे हैं। और ये देखिए हमले क्या होते हैं, केवल यही होते हैं डराने धमकाने। और मैंने जो आपको बताया कि जब मैं वर्धा में था और जब यही लगभग ऐसा ही माहौल था उस जमाने में, जासूसी गिरी करवाना, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना, यही सारा कुछ था। और उस स्थिति से लेकिन निकालने में कुछ तो आपको करना पड़ा, और वो करने का ही हालत हुई जिसमें हमने आपको बताया कि एक सुषमा तैयार, एक नहीं कई, अब तो वहां आंदोलन होते हैं, लोग वहां सड़कों पे निकलते हैं और कई ओकेजन पे निकलते हैं, ना केवल अपने मसले पर बल्कि देश दुनिया की जो और घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को भी रिएक्ट करते हैं, उस पर भी बात करते हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। तो साथियों, एक तो कि जो हमारा अपना यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को कैसे हम बनाए रखें और कैसे उसको मजबूत करें, इस संस्कृति को कैसे हम मजबूत करें, इसकी कोशिश हमें लगातार करती रही है। नंबर दो बात जो मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो मीडिया के हवाले, चूंकि मेरा एक टैगलाइन जुड़ गया है कि मैं चूंकि अखबारों में लिखता रहता हूं तो मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं मीडिया का ही आदमी नहीं बल्कि मीडिया पे मैं शोध भी करता हूं और अपनी दो पत्रिकाएं भी मैं लेकर आया हूं जो मैं पिछले 7 साल से निकाल रहा हूं, मैं नहीं बल्कि हमारी टीम, जो मेरे कुछ छात्र हैं, जो हमारे कुछ कुलिक्स रहे हैं, उनकी जन मीडिया और मास मीडिया, हिंदी में जन मीडिया और इंग्लिश में मास मीडिया, कुछ कॉपियां मैं लेकर आया था। मैं मीडिया पर चूंकि हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि देखिए ये जो कुछ भी आप इतना कुछ जो देख रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं और जिस यूनिवर्सिटी की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक मीडिया का नेक्सस होता है, विदाउट नेक्सस मीडिया ये काम नहीं कर सकता। मीडिया ही उसकी एक जमीन तैयार करता है, ये मैं एक मीडिया पर्सन और मीडिया सुधारती होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे आपने सुना अरबन नक्सल के बारे में, अरबन नक्सल कोई नया शब्द नहीं आया, पुलिस की डायरी में ये शब्द आ गया पहले। एक खुफिया विभाग होता है पुलिस का,
जो इस तरह के खबरों को प्रचारित करता है, आपके माइंड में वो डालता है पहले शब्द को, और जब वो आपके माइंड में चला जाता है तब उस शब्द का फिर वो इस्तेमाल करता है। वो कोई नई बात नहीं है। और ये बात आप देखेंगे कि पहले इस तरह की जो गिरफ्तारियां आज हुई अरवन नक्सल के नाम पर, ये तमाम पृष्ठभूमि बहुत पहले से मीडिया में आती रही। ये काफी शोर शराबा मस्ता रहा, अरवन नक्सल अरवन नक्सल अरवन नक्सल। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मीडिया की जो पूरी स्ट्रेटजी होती है इस्तेमाल करने की, मीडिया अगर हम और आप समझते हो कि हमारे और आपके लिए निकलता है, तो मैं कम से कम इतने 40 साल से मुझे लिखते हुए हो गया, 40 साल से कुछ कम हुए होंगे, और शोध में मैं लगा रहता हूँ, मैं तो ये मान नहीं सकता कि मेरे लिए मीडिया। मैं बहुत ही बेबाकी, बहुत ही आपको बात अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मैं बात बहुत साफ कह रहा हूँ, हमारे और आपके लिए मीडिया नहीं। मीडिया को आप नहीं समझिए, मीडिया आपको अपने लिए बनाना होता है, आपके लिए होता नहीं है, आपको बनाना होता है। और मैं इसको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। कौन सा मीडिया कब किस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, इसको मैं समझाने के लिए केवल आपसे बात कर रहा हूं, और बहुत ही छोटे छोटे दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेलीग्राफ की चर्चा आती है, टेलीग्राफ अंग्रेजी का अखबार है, कितने लोग यहां पढ़ते हैं, 2-3 लोग। कैंपस के बाहर चले जाइए, पूछिए टेलीग्राफ का नाम जानते हैं लोग, नहीं जानते। ये बिहार है, बिहार हिंदी में पढ़ा जाता है, और अगर हिंदी के अखबारों में यहां कुछ नहीं छप रहा है तो अंग्रेजी में आप छाप लीजिए, जितना छापना हो, टेलीग्राफ में छाप लीजिए, स्टेट्समैन में छाप लीजिए, पायनियर में छाप लीजिए। मैं यहां आपको काउंट करा दूंगा कि 25 में छप गया, लेकिन यहां के लोगों को यहां के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस मीडिया का मतलब क्या है? जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे क्लासे नहीं होती, वो हिंदी के अखबार पढ़ते होंगे, जो अभी थे हमारे साथी, कि एक साल पहले शुरू में हमने सुना था, लेकिन अब तो क्लासेस की वजह से नहीं सुनता हूं। तो अखबार आप पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, कि शिक्षक तो यहां आते नहीं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमोद मीना करें, क्लासेस तो हम हमेशा की तरह लेते आ रहे हैं। यानी कि आपके कैंपस के बाहर जो आपकी तस्वीर बनाई है वो किसने बनाई? टेलीग्राफ छपेगा, लेकिन एबीपी उसी का चैनल है, वहीं से लोग निकाल दिए गए। बिहेवियर समझिए आप, कि ये जो ग्रुप होता है उसका एक उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरे एक दोस्त है मेमन मैथ्यू, पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर थे कहीं पटना में, अभी शायद रिटायर कर गए। हम और वो दोनों पटना की एक सभा में बैठे हुए थे, इसी तरह जैसे आप बैठे हैं। उन्होंने कहा सभा को कि ये सारे पत्रकारों का दोष होता है, अखबार का कोई दोष नहीं होता, अखबार में कहीं से कोई डिक्टेशन नहीं आता, कोई मालिक नहीं करता, कोई संपादक नहीं करता, जो लिखने वाला होता है वही नहीं लिखता है, तो हम क्या, हम कोई दबाव नहीं डालते, हम एडिटर हैं, हम तो कभी किसी पे दबाव नहीं डालते। उसके बाद लेकिन संजोग था कि उसके बाद मेरी बारी थी बोलने की, क्योंकि मेमन मैथ्यू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कहा कि मेमन मैथ्यू ने जो बात इस सभा के सामने कही है, मुझे इस बात को अब ठीक तरीके से प्रेजेंट कर देना चाहिए, और मैंने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहा कि मेरे दोस्त तुम वाकई में बहुत ही डेडिकेटेड पत्रकार हो, नो डाउट, बहुत ईमानदार हो, नो डाउट, मैं तुमको 30 साल से जानता हूं, पटना में हम दोनों सड़कों पे साथ चले हैं, और कई कई महीने कई कई बरस चले हैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। जर्नलिज्म के प्रति तुम ऑनेस्ट हो, इंडिविजुअली तुम ऑनेस्ट हो, और तुमने कभी किसी जर्नलिस्ट पर कोई दबाव नहीं डाला होगा, लेकिन तुम्हारी कुर्सी के बगल में एक और एडिटर बैठता है, और उसका नाम है हिंदुस्तान का एडिटर, हिंदुस्तान अखबार का एडिटर, तुम्हारे ही भरोसे के साथ अगर आकर यहां ये बात बोल दे तो मैं समझूंगा कि वाकई में पत्रकार ही निकम्मे हैं, और पत्रकारों पर कोई और दूसरा कोई शिकंजा नहीं होता। हिंदुस्तान में यहां छपने का दोस्त मतलब है, अखबार यहां हिंदी है, हिंदी प्रदेश है, हिंदी प्रदेश में हिंदुस्तान पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में अगर तुम छाप भी लोगे तो किसकी भाषा है, किसके बीच में जाने वाला अखबार है, वो है ब्यूरोक्रेट के लिए,
वो कौन है जो नीति निर्धारक है उनके लिए तुम उनको फीडबैक देते हो कि समाज की सोसाइटी की यह रियलिटी है, तुम इसको पढ़ो और अपने नीतियों का निर्धारण करो, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करो, ये काम होगा। इसके साथियों ये विश्वविद्यालय में आपके विश्वविद्यालय में मुझे बताना ये जरूरी इसलिए लगा कि अगर आपके पास क्रिटिकल नजरिया नहीं होगा, क्रिटिकल नजरिया नहीं होगा, आलोचनात्मक नजरिया नहीं होगा, तो आप सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे, सच नहीं जान पाएंगे। सच को देखने का जो एक इनसाइट बिल्डअप होता है अपने भीतर, वो आप सच नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सच देखने के लिए आपको हमेशा और हमेशा भीड़ बनने की बजाय और भक्त बनने की बजाय, भीड़ और भक्त दोनों बनने की बजाय आपको एक क्रिटिकल नजरिया ही अपनाना होगा। डेमोक्रेसी का ये मूल एलिमेंट है जिसको कहते हैं बेसिक एलिमेंट है क्रिटिकल होना। आप सोचिए गैलीलियो को क्या हुआ था, गैलीलियो अगर बोल देता झूठ तो क्या होता, सच बोला ना, सच बोलने से मारा गया तो मारा तो जाएगा, हम मारे जाएंगे लेकिन सत्य को नहीं मरने देंगे। और मैं ये समझता हूं साथियों कि हमको जिस समय संसाधन में तब्दील करने की पूरी कोशिश हो रही है, ह्यूमनिटी को और ह्यूमन बीइंग को, एक मनुष्य को, वैसे समय में आपका दिमाग खुला रहे, आप एक कच्चे माल की तरह इस्तेमाल ना हो, आपका दिमाग खुला रहे, कान खुले रहे, आँख खुले रहे, कम से कम ये तो इंद्रियां हमारे बस में हो, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसको हम सरेंडर कर देंगे तो मुझे लगता है कि लास्ट में खुद को तब्दील करने जैसा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो मृत्युंजय पास की कविता दोहरा रहे थे और वो लोकप्रिय इसीलिए कविता है कि हम सचमुच में जिंदा लाश की तरह नहीं रहना चाहते। और मैं ये समझता हूँ कि आपने ये आयोजन किया, मुझे बुलाया, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मी अनिल चमारिया जी से आपका बहुत सारा सवाल होगा और उस सवाल का हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके माध्यम से जो है उसका जवाब दिया जाए। उससे पहले इन्होंने जो बोला उस पर आ रहा हूँ कि किस तरीके से मीडिया की जो अभी सच्चाई है, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान खत्म हो गया, हिंदुस्तान से जो है हिंदुस्तान खत्म हो गया, हिंदुस्तान में जो है कुछ चंद लोगों के जो नुमाइंदे जो है उनकी स्थिति जो है वो केवल घर कर गई, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान खत्म हो गया। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला कि गांधी का यहाँ पे जन्म हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ पे बने चंपारण में, लेकिन उसी गांधी की हत्या, जो सत्य और अहिंसा के जो पुजारी जो गांधी थे, जो बुद्ध की जो धरती बिहार है, जो अहिंसा की जो धरती बिहार रही है, वो विश्व को सबसे पहले जो लोकतंत्र देने वाला जो बिहार रहा, विश्व का सबसे पहला जो गणतंत्र जो यहाँ पे वैशाली है उसकी हत्या में जो है अभी जो शामिल है अरविंद अग्रवाल, और इसलिए वो हत्या में शामिल है क्योंकि वो हिंसा जो कर रहे हैं, जो अहिंसा की जो हमारी जो विरासत रही है, हमारा जो डेमोक्रेटिक जो विरासत जो रही है, लोकतंत्र का जो हमारा विरासत रहा है, उसको कुचलने की जो है नाकाम जो कोशिश में लगे हुए हैं। आपको पता है आपका व्याख्यान होने वाला था कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन ये कातिल, ये जो है लोकतंत्र के हत्यारे, शिक्षा माफिया अरविंद अग्रवाल ने इतना भी जो है हमको स्पेस नहीं दिया, जहाँ पे संविधान के धारा के तहत जो हमारी अभिव्यक्ति की जो आजादी है, हम उस अपने अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी बात को जो है आपसे आपको पहुंचा पाए, आपसे रूबरू हो, आपको सुने, हमको सुनाए, और सच्चाई का जो दस्तावेज है उसको तैयार करे, ताकि इतिहास जो है इतिहास से गवाह रहे कि चंपारण के बच्चा बच्चिया ने जो है इस फांसीवादी अरविंद अग्रवाल के खिलाफ लड़ा था और इसको जो है हराया था। इसलिए जो है इस कड़ी में हम बहुत सारे जो है आपके नुमाइंदे, जो लोकतंत्र के जो नुमाइंदे हैं, उसको बुलाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, भगत सिंह का जो भतीजा, शहीद आजम भगत सिंह के जो भतीजा है,
प्रोफेसर जगमोहन सिंह को आपके सामने आएंगे, प्रख्यात लेखिका अरुंधति राय आपके साथ आएंगी, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के जो अध्यक्ष रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, वो आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे, जो चार्ल्स डार्विन के जो भतीजे हैं फेलिक्स पाडिल आपके साथ आएंगे, TISS का जो डायरेक्टर पुष्पेंद्र है वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ आएंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मजबूत जो कड़ी है प्रोफेसर शमशुल इस्लाम और उनकी टीम आएंगी, आपके सामने आएंगे भवरी देवी और तमाम तरीके का जो जानी मानी जो हस्तियां हैं आपकी आवाज बनने के लिए आएंगी, लेकिन आपको खुद का भी आवाज बनना होगा, आपकी आपको अपना मीडिया खुद बनना होगा तभी जो है, क्योंकि सर जो बार बार बोल रहे हैं जन मीडिया की जरूरत है, जनता की मीडिया की जरूरत है, और जनता की मीडिया तभी स्थापित किया जा सकता है जब हम और आप मीडिया बन जाए, हम और आप मीडियम बन जाए। उन्होंने जो बोलते हैं भाषा पे पाबंदी, मैं इसलिए एक बांग्ला में जो है एक बहुत अच्छी कविता, एक गाना हम लोग गाते थे कि आलू बेचो छोला बेचो बेचो बाकुर खानी, बेचो ना बंधो तोमर अचोखर मनी, मतलब चाहे आपको आलू बेचना पड़े चाहे आपको जो है छोला बेचना पड़े, लेकिन अपना जो सपना जो है वो सपना कभी नहीं बेचो, सपना इसलिए नहीं बेचो, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो सपना, जो ऑक्सफोर्ड बनाने की जो आपका सपना है, कैम्ब्रिज बनाने की सपना है, उस सपना के साथ कतई समझौता नहीं करो, उस लोकतंत्र को जो है मजबूत करने का जो सपना है उसके साथ जो है आप कभी भी जो है समझौता नहीं करो, और इसलिए चाहे ये पूरे विश्वविद्यालय को जेल में तब्दील कर दे, लेकिन हमारी आपकी आवाज जो है इस विश्वविद्यालय को जेल बनने से, यातना गृह बनने से जो है बचाएगा, और आप लोग जो है उसको बचा रहे हैं, और इसलिए गोरख पांडे याद आते हैं हमें, जहाँ पे गोरख पांडे कहते हैं अब ना साहब हम जुलमिया तोहार, चाहे भेजा जेहलिया हो, चाहे आप जो है हमको जेल भेज दो, हम नहीं सहने वाले, क्योंकि हम जो है उस विरासत को बिलोंग करते हैं, जो विरासत हमेशा जो है अन्याय के खिलाफ, चाहे वो महिलाओं के साथ अन्याय हो, चाहे संविधान को तोड़ने मरोड़ने की साजिश हो, चाहे शिक्षा से दूर आपको करने की साजिश हो, या मीडिया को जो है कुछ कॉर्पोरेट मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील करने की बात हो, या जो है आपको शिक्षा से जो है वंचन का एक अधिकार वंचित करने की जो साजिश हो, और आपको चारण की परंपरा में जो भाट की परंपरा में जो है उसको ढालने की जो प्रवृत्ति इनकी रही है, हमेशा ये जो है चारण मीडिया को बुलाते रहे हैं और अपना जो है गुणगान करते रहे हैं, जितना इनका जो प्लेजरिज्म है, जितना इन्होंने गोरख धंधा किया है, कोई भी रिसर्च उनका उठा के ले देख लीजिए, उसमें पूरे का पूरे प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी जो है पकड़ी जाएगी, तो वैसे ही लोगों को ये बुलाते हैं जो हमेशा तो हमको आपको इनको एक्सपोज करना है, इनको नेस्तनाबूद करना है, अब आपके लिए मंच खुला है, अनिल चमारिया जी से जो भी आपका सवाल हो उस सवाल अपना रखें। हेलो सर, मेरा नाम अनुप कुमार सूरज है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट। सर मेरा सवाल है कि 1930 और 32 के आसपास इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 28% था, फिर भी उस समय के स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल और सोशल अंडरस्टैंडिंग थी, वो स्टेट और नेशन में अंतर समझते थे। स्टेट के चार एलिमेंट है, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी और सोवरेंटी। तो गवर्नमेंट वेरिएबल होता है, गवर्नमेंट स्थिर नहीं होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जा सकता है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो उस समय के परिवेश में स्टूडेंट मूवमेंट पॉसिबल था, लेकिन आज भारत का लिटरेसी रेट 74% है, लेकिन आज के छात्रों में एक राजनीतिक, सामाजिक और मानववादी सोच का बढ़ावा नहीं मिला है, और इस तरह आज के तो इस दौर में आज के समय में स्टूडेंट मूवमेंट कैसे पॉसिबल। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया,
और मैंने ये एग्जैक्टली इसी सवाल को मीडिया के संदर्भ में उसको खंगालने की कोशिश की। तो जिस समय जिसको आप फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं 1947 के पहले, उस समय के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि आप जरा पता करें कि उस समय अखबार कितने निकलते थे, और ख़ास तौर से तब जब मान लीजिए कांग्रेस का कांग्रेस बन रही है 1885 में जब कांग्रेस बन रही है, उस जमाने में कितने अखबार थे और उस समय जो अखबार थे उनके प्रसार संख्या कितनी थी। तो आप आश्चर्य करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे, और मैं जब मीडिया हिस्ट्री में जब जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 500 संख्या के अखबार, 500 संख्या जिस अखबार के हैं, बंगाल के सुदूर जिले से निकलने वाला अखबार वो पंजाब में पहुंच रहा है और उसकी दो कॉपी पहुंच रही है, और वो दो कॉपी जो है वो दो कॉपी पूरे इलाके को सूचित कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एक सोशल सोसाइटी में एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, सिस्टम सोसाइटी ने अपना डेवलप कर रखा है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ इस सिस्टम को समझने के लिए, आगरे का पेठा, आगरे का पेठे का आप बताइए कि कहाँ विज्ञापन आपने देखा है, किसी कंपनी का देखा होगा। अब नमक का विज्ञापन आपने कहाँ देखा होगा, अब देख रहे हैं आयोडीन का विज्ञापन। नमक का विज्ञापन नहीं होता था कि जो नमक है चार आने बोरी कहाँ से आ रही का, नहीं। तो मेरा ये कहना है कि सोसाइटी में एक मैकेनिज्म सोसाइटी अपना डेवलप करके रखता है, सोसाइटी का विकास इसी तरह से हुआ है। तो ये जो आप बात आपने कही, उस समय जितने भी लीडर थे वो तमाम लीडरों के बारे में आप पता कीजिए कि 12 साल 13 साल 14 साल में वो लोग निकल गए, झोला लटकाया और देश के लिए निकल गए, समाज के लिए निकल गए। भाई भगत सिंह कितने साल में शहीद हो गए, आपकी आपकी आप में से कितने लोगों की उम्र 21-22 है बताइए, लगभग सबकी होगी। आप बताइए कि आपकी भगत सिंह जैसी चेतना आप में है, जोश होगा नो डाउट, मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूं, जोश होगा, लेकिन आप में जो चेतना का स्तर है, जो चीजों को समझने का जो स्तर है, क्या वो है? मैं माफी के साथ चाहता हूं। 74 में हम लोगों ने देखा कि हम लोग की उम्र क्या थी, 10-12 साल, और हम लोग निकल गए। क्या तो रेल रुकना है, 3 दिन का आंदोलन है, चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप देखिएगा एक आया है सिस्टम, नेट खत्म कर रहे हैं, पीएचडी कंपल्सन कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब आपके लेक्चरर बनने की जो उम्र है वो कितने साल बढ़ जाएगी, 5 साल बढ़ गई ना, बस हमको यही काम करना है। आपकी उम्र हमको जो पढ़ानी है, यानी हमारी जो जिम्मेवारी है, उसको हम कितना लिंगर करें। हम ये ना कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, और अपने बच्चों को इतना शार्पन करें कि वो एमए पढ़ाते ही क्लास देने की क्षमता रखें। अब आप बताइए, यहाँ आप एमए कराएंगे और कोई टीचर जो प्लेजरिज्म करके आया है, कट पेस्ट करके आया है, वो आपको पीएचडी कराएगा तो क्या पढ़ाने के लायक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ सवाल है कि हम 10 साल का बच्चा पहले क्रांतिकारी बन जा रहा है, राजनीतिक समझ से परिपूर्ण है, और आज आप 12 साल के बच्चे को आप देखिए वो क्या करता है, किस अवस्था में रहता है। आज 21-22 तो खैर हम लोग जो है सो ही है, आप देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हम लोगों ने ऐसा डेवलप कर रखा है। हो क्या रहा है, वो ये रहा है, देखिए हमारे और आपके बीच में जो मैंने अपने भाषणों में भी कहा, भीड़ की मानसिकता, आपको भीड़ की मानसिकता में हमको रखना है। आपका हम जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपका अपने ऊपर नियंत्रण ना रहे। आदमी देखिए तभी वो बड़ा बन जाता है, बड़ा इन द सेंस कि वो समझदार बन जाता है, जब वो अपना नियंत्रण अपने पे रखने के काबिल हो जाए हर स्थिति में। हमारी एक शासक के रूप में हमारी क्या कोशिश होती है कि हम आपको अपने नियंत्रण में रखें। आपको अपने नियंत्रण में रखने की जो स्थितियां होती हैं
वो बनने ही ना दे, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सिटी ये काम करता है। आखिर में क्यों मैं कहता हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसी तरह का कैंपस है ना, कैम्ब्रिज है, मान लीजिए क्या कोई सुरखाब के पर लगे हैं वहां फैकल्टी में? नहीं भाई साहब, कोई नहीं। बच्चों में क्या सुरखाब गोरे हैं इसीलिए, चमड़ी गोरी है इसीलिए पढ़ने में तेज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सब में देखिए एक ही तरह का एक मांस का जो दिमाग है वो साइज में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन स्थितियां आपके सामने हम ऐसी रखेंगे, ऐसी बनाएंगे कि आप आगे नहीं जाओ। एक शब्द होता है मारने के लिए ना, एक शब्द होता है ए तू औरत जा तू क्या करेगी, एक शब्द ही ना है, बात खत्म हो गई। औरत जात तो डेमोरलाइज होकर किनारे पड़ी रहेगी ना। एक शब्द आपको बोलना है, एक बात, एक कोई एक्ट, एक कोई सिंबल आपके लिए बस काफी है उतना। तो आप जो ये सवाल कर रहे हैं ये पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ सवाल है। हम तो चाहते हैं कि हम इस जैसे ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कल्चर डेवलप हो हमारी इस तरह की हो, ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्ट किसमें है? अभी हमारे में ये होड़ है, हम में आप में अगर ये होड़ हो जाए कि हम आप इंटेलेक्चुअल ज्यादा है कि आप हैं, तब देखिए यहाँ की फिजा ही बदल जाएगी। अभी और आप में हम में होड़ होता है कि हम कितने बड़े बटलर हैं, हैं? कितने बड़े हम बटलर हैं, कितने बड़े जासूस हैं किसी अपने टीचर के, किसी अपने वीसी के, किसी रजिस्ट्रार के। अगर इस बात की अगर होड़ होगी और आपके दिमाग आपके 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 इसमें बैग में किताबों की बजाय टेप रिकॉर्ड होगा, मोबाइल का टेप होगा, तो क्या होगा? हमको आप क्या बना रहे? सातीर बना रहे, चाला चोर गिरहकर जिसको हम लोग कर वो दिमाग से बना रहे, दिमागी रूप से चोर गिरहकर मतलब दिमागी रूप से चोरी करना सिखा रहे हैं ना आप, पॉकेटमारी करना सिखा रहे हैं बौद्धिक। तो कहां से हमें हमारा इंटेलेक्ट कहां से पैदा होगा बताइए? मैं मतलब अभी गांधी को आते हुए रास्ते में पढ़ रहा था, एक प्रभात जोशी के बेटे ने अच्छी किताब लिखी है, एक था मोहन बच्चों के लिए लिखी है, तो बच्चों का लिटरेचर पढ़ने में बड़ा आनंद आता है मुझे। तो वही अब उनका सामने संकट आया, गांधी के सामने 14 साल की उम्र में शादी हो गई, कस्तूरबा उनसे छोटी थी लेकिन कस्तूरबा तो स्कूल गई नहीं थी, तो बोले कि यार हम किताब पढ़ के बात किससे करें, बात किससे करें, संकट ये आ गया। सोचिए रास्ते में आ रहा था तो पति पत्नी दो कोई बात नहीं कर पाए समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, कोई रंगों के बारे में, कोई पर्यावरण के बारे में, कुछ नहीं। फलवा ये जो बेटी का जो बेटा है वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वो उसको ये चाहिए, उसको वो चीज, पूरे रास्ते आप सोचिए क्या बात करेंगे। कोई किताब की बात अगर नहीं कर रहे हैं आप, कोई समाज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई पर्यावरण की बात नहीं कर रहे, कोई आप प्रकृति की बात नहीं कर रहे, तो कहाँ रहेंगे? तो हमको और आपको अगर इस तरह की प्रतिस्पर्धा में डाल दिया जाएगा जो यहाँ का माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि हम और आप किताब तो नहीं रच पाएंगे, गूगल से कष्टी पेस्ट होगा। किताब तो रचने के लिए भाई साहब एक प्रतियोगिता चाहिए आपको। जैसा आपने बोला कि जब भी दमन ज्यादा होता है प्रतिरोध का ज्वाल जो है उतना ही मजबूत होता है, जब भी दमन होगा आप जो है आंदोलन जो है और निखरती है और निखरा है दमन जो है। इसलिए बोलते हैं कि सर भी बहुत बाजू भी बहुत, करते भी चलो बढ़ते भी चलो। तो उस विरासत में विश्वास रखिए और आपका छात्र आंदोलन, आपका जो है आपकी एकता जो है, कोई भी तानाशाह को झुकाएगा और झुकाया है इतिहास का। हाँ, मैं पूरे अपने तजुर्बे से बात कह रहा हूँ और जितना भी मैंने पढ़ा है। देखिए इससे बड़ी ताकत कुछ हो ही नहीं सकती है। जो ताकत जैसे लोग हम लोग बच्चों में नहीं पढ़ते हैं एक उंगली और ये मुट्ठी, सिंपल सी बात पढ़ते हैं ना बहुत ही आम भाषा में, तो आप सोचिए ना इस मुट्ठी की ताकत और इस उंगली का क्या है, तो मोड़िएगा ऐसे कर दीजिएगा ऐसे कर तोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको जरा तोड़ के दिखाइए। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई अब वैज्ञानिक कोई बात ही नहीं, तो वैज्ञानिक साइंटिफिक एक बात है कि जितनी यूनिटी आपस में रहेगी, और यूनिटी कैसे होती है, ट्रांसपेरेंसी, समझदारी, एक ट्रांसपेरेंसी
कि एकदम हम जो भी बातें हैं आमने सामने करेंगे, लेकिन इरादे के प्रति जो हमारा इरादा है उसको लेकर हम डिगेंगे नहीं। हमारे बहुत सारे मतभेद होंगे, हमारे आपसे मतभेद होंगे। आप टोपी पहनते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है? मैं कह सकता हूँ ना है? नहीं भाई, हमको अच्छा नहीं लगती टोपी, क्या पहनते हो यार? ठीक है यार, लेकिन यार तुम अच्छे आदमी हो, मतलब तुम्हारा जो बेसिक एलिमेंट है वो बेसिक एलिमेंट के साथ हम हैं। तो जो बेसिक बात है कि नहीं, हमको इस यूनिवर्सिटी को बनाना है और यहाँ एक कल्चर विकसित करना है, इसके प्रति तो हम दृढ़ हैं और इसमें कोई समझौता नहीं। और सामने वाला अगर ये व्यक्ति जो है अनकल्चर्ड है, अनएथिकल है।